नमस्कार, मैं अशोक यादव, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। मैं आज गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में मौजूद हूँ। ये जो दो जोड़ी दिख रहा है, एक पति पत्नी का जोड़ी है, ये लोग सीतापुर से गोरखपुर में आए हुए हैं। ये भी पार्क है जो विंध्यवासिनी पार्क कहा जाता है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये भी पार्क में क्या करने के लिए आए हैं। भैया, सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल में हमको बोलने का मौका दे रहे हैं, तो आपका बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, हम अनुज निषाद और हमारे मैडम, ये देखिए बोलिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिता निषाद आप सभी का स्वागत करती हूँ भैया के चैनल पे और न्यूज पे, क्योंकि ये बड़ी ही हमारी भाग्य है कि भैया जी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम बड़ी दूर से चल के आए हैं अपने यहाँ गोरखपुर में वी पार्क में आप सबसे मुलाकात करने और आप सभी का सपोर्ट और सहारा लेने और देने के लिए हम आए हैं। तो चलिए, तो भैया बताइए, आपने गाना भी गाते हैं? जी, गाना भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। तो बताइए, कब से शुरू किया? भाई हमारी देखिए जो स्ट्रगल है कम से कम 2013 से है, लेकिन इसमें बहुत कुछ खोए हैं। अच्छा, बहुत कुछ खो दिए हैं, लेकिन हाँ ये हौसला नहीं हारे और मेहनत किए तो एक साल के अंदर फिर हमारी कुछ सफलता लगी और आप लोग के बीच में हम हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं सभी जितने लोग देख रहे हैं उनको, अच्छा कि देखिए मेहनत मत हारिए। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, आप उनके बातों को एक कान से निकाले हैं सुनिए, इससे निकाल दीजिए। और हाँ, सपना वो देखिए जो दिन से देखा जाए, सोते हुए मत आप सपना देखिए कि हम सो गए और जहाज में घूम रहे हैं, हम बड़े स्टार हो गए हैं, वो सपना बेकार है। अगर दिन में आप देखेंगे, आधा माइंड उस सपने पे कीजिए जो आपको दिख रहा है, मंजिल वाली दिन वाला सपना देखिए कि हमको जो करना है तो आप सक्सेस जरूर होंगे। हमने वही किया है, घर चलाते हुए, मतलब जो भी लगन से काम करेगा एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होगा। सक्सेस होगा। अच्छा। वो भी देखिए उसमें ईमानदारी भी होना चाहिए, लगन में है चलिए काम कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी होना चाहिए, हमको करना ही है। ऐसा नहीं कि हम दिखावे के लिए चलिए काम कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। उस पर आप जान दे दीजिए तभी सफलता मिलेगी, हमारा मानना। कहा जाए मतलब उसको कोई भी काम करिए, दिल से करिए, तभी सक्सेस होंगे। ये बताइए, आपका YouTube पे कब आना हुआ? हमारा YouTube पे आना अगले यानी 21 में हुआ था, फरवरी में, यानी एक साल पूरा हो गया। एक साल मतलब। और आप लोग को हम एक बात बताना चाहेंगे, सब बोलते हैं कि हमारे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है, जो एक महीने दो हमारे, आप सुनेंगे हमारी बात तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारा 7 महीने में कितने सब्सक्राइबर थे। इसी चैनल पे 7 महीने में 350 सब्सक्राइबर थे। अच्छा, 7 महीने तक? 7 महीने तक कुछ नहीं हमारा, उसके बाद आप लोग का आशीर्वाद लगा और फिर चैनल सीधे चला, तो आप लोग के सामने 300 सब्सक्राइबर। तो आप अकेले बनाते थे कि भौजी भी साथ में? अकेले और जब ये आई तो हाँ, उसके एक महीने बाद भी सिर्फ चैनल ग्रो होना चाहिए, मतलब ये आई तो समझ लीजिए आपका चैनल। हमारी बात लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी है और हमारी दो बेटियां हैं जो सो रही हैं, जो बड़ी बेटी का ऑपरेशन हुआ आप लोग जान रहे हैं भाई कि उनको दोबारा उसको जन्म मिला है। आप लोगों का सिर्फ 10 लाख लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया और जितने लोग जितना हुए 2-4 पैसे विकास जितने मदद किए ताकि हमारी बेटी का जान बच सका है और वहाँ पर हमारी बेटियाँ वहाँ पर सो रही है। और बस आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारी बेटी को बचा लिया। अच्छा, ये बताइए, कहने लोग कहते हैं यूट्यूब जी, मतलब लोग जो लोग साथ छोड़ देते हैं वो किसी का सहारा मतलब नहीं रहता है, उनका सहारा यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सहारा हो गया। यानी जो लोग आपके साथ छोड़ दिए थे, हाँ, आपका सहारा यूट्यूब और फेसबुक, व्हाट्सएप, हाँ, ये सब बना। और हमारी जो जनता है, पूरी वर्ल्ड की जनता, हम वर्ल्ड ही बोलेंगे क्योंकि हर जगह साथ में देखता है, वो हमारे लिए भगवान है। यानी यूपी बिहार आपका वीडियो हर जगह देखते हैं, हर जहाँ जहाँ जो देखता है सब कोई वीडियो देखता है, सबके लिए हम पैर छू के प्रणाम करते हैं कि आप लोग हमारा। कौन सा ऐसा वीडियो था जो आपको स्टार बना दिया, मतलब लोकप्रिय बना दिया आपको? हमारा वीडियो कई है, अब इसमें क्या बताएं, नाम तो नहीं, लेकिन पहला वीडियो जो हमारा मिलियन गया था उसमें हम एक सूपा उपा लेके और इनके साथ तनी बना के ढोल वोल बजा के गाए थे। और वो गाना याद है क्या? नहीं, वो गाना याद है, कोई गाना करे एक याद हो तो सुना दीजिए, दूसरा गाना सुना देते हैं। वो गाना हमारा वायरल हो गया, दोनों लोग साथ में एक ही सुर में गाते हैं कि अलग अलग गाते हैं? ये तो नहीं, हम नहीं गा पाते भाई, ये गाते हैं, आप डांस करते हैं, गाते हैं। चलिए, हम सबके लिए गाना गाएंगे, सुनाइए और निरहुआ जी का गाना सुनाएंगे, कुछ भी गा सकते हैं, कोई गाइए गाइए। तो निरहुआ सटल लगा हमारा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है। अरे दुल्ही रहे बीमार, अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ
निरहुआ सटल रहे और मंगर चाहे सो महार जाके डटल रहे, मंगर चाहे सो महार जाके डटल रहे, दुलही रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे। देखिए हम सबका गाना सुनते हैं, बहुत ही सुंदर भैया इन्होंने गाना गाया है और मेरे साथ हमको समय दिया, इसके लिए हमने मिलके हमसे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। और अभी अभी आप और समय देना चाहेंगे? बताइए, हम खाली हैं, बताइए। चलिए देखिए, यही कहना है सभी जितने लोग बना रहे हैं, चाहे आपको चाहे हम कोई बड़े यूट्यूब नहीं हैं। जो लोग सोच रहे हैं इसे आप लोग को देख के, जो लोग सोचते हैं कि हम भी यूट्यूब पे आए हैं, लेकिन वो लोग यूट्यूब पे नहीं आ पाते हैं, उनके पास साधन नहीं रहता है, मोबाइल नहीं रहता है, कैमरा नहीं रहता। चलिए हाँ, ये बात, उनके लिए क्या करना? आप ये बात बोले हैं ना, ये देखिए अभी हमको ये मोबाइल लिए हुए 4 दिन हुए हैं और ये मोबाइल का इसको अभी हम लगाए हैं। ये मोबाइल हमारा है, मान ली 9000 रुपए का मोबाइल है और 4 साल पुराना मोबाइल है। अच्छा, उसी से बनाते थे, उसी से आप लोग के बीच में हम खड़े हैं। इसका तो अभी कुछ नहीं काम है, इसी से हम आप लोग यूट्यूब की कमाई से लिए हैं। कमाई है और ये जो है, हाँ ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जिससे काम कर रहे हैं उसी से काम कीजिए, नहीं कि आप अभी चैनल खोले नहीं, डीएसएलआर ले लें, बड़ी बड़ी कैमरा लें, उससे कुछ नहीं होगा। आप जो छोटे साधन है उसी से चलना चालू कर दीजिए। हम सपने में नहीं सोचे थे गोरखपुरिया भाजी हमको पहचानेंगे, चाहे विष्णु भैया हमको पहचानेंगे, चाहे कौशल भैया, सब हम सपने में नहीं सोचे थे ये लोग हमको कभी देखेंगे। आप भी पार्क में आए जी, यहाँ होली महोत्सव के लिए आप लोगों को बुलाया गया था, तो मतलब होली हुआ तो नहीं खेले अभी? कोई नहीं, देखिए सब वीडियो बनाने लगे हैं, कोई हमको अभी अभी लाया नहीं है तो कहाँ लगाया जाए, हम तो इन्होंने कपड़ा अपना बेकार करने के ही लिए आए। अच्छा, तो देखिए बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों को, जिस साधन है, जो साधन है आपके पास, बस हाँ उसमें आप मेहनत करना चालू कर दीजिए। और मेहनत इतना कीजिए कि खाना, हम देखिए आए हैं ना, भूख सबको लगती है, सुबह से खाने का नहीं खाया लेकिन अभी भूख नहीं लगा है, सिर्फ हाँ वीडियो बनाते रहे, वीडियो ये होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।